Inspector, there has been some misunderstanding. Try to understand the position. अरे ओ छुटे हुए बैलो शर्म कोई ना आती है मैडम बाहर से वसूली करके थकी हारी भूखी प्यासी आ रही है कोई ना पूछता कि मैडम पानी पी लो हाथ पैर दबा लू बस फोन पे लगे पड़े इसने अंदर धर लो चलो मुझे तो ये दिखाई नहीं दिए कौन है ये हाँ हाँ तन्ने तो थारी साइज से छोटे आदमी ना दिखाई कोई ना देते यो एक डॉक्टर है जिसने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसके लगा देने से ना गुड्डू गुड्डी और बबलू बबली बन जाता है I am a female. What? And male hormone expert. Wrong side पे गाड़ी चला रहा था गले में टायर डाल के अंदर कर दो तेरी तो दीदे फूट गए के अरे भाग्य फूट गए खड़े खड़े कमिश्नर साहब यस सर नो सर ओके जी मैडम जी जो केस ली हरकत हो रही है छोड़ पहले आप अपने फोन जेब में रख लीजिए खड़े खड़े क्यों ना मारे फोन से तन्ने के परेशानी हो रही अरे फोन से ही परेशानी हो रही है खड़े खड़े अरे मैडम जिससे पहले मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं अपना फोन रख लीजिए जेब में ये बोल मुंह उठाए क्यों चला रहा है ठाणे में देखिए मेरा नाम है पहलवान धरती पकड़ खड़े खड़े और ये मेरे चाचा कहाँ गए ए खंबा एक मिनट खंबा चाचा जी और ये है मेरे चाचा खंबा पकड़ खड़े खड़े चाचा जी अंकल सर प्लीज सॉरी है अरे आप क्यों भूल जाते हैं आपका नाम खंबा है खंबा देखिए हम लोग पकड़ खानदान के पहलवान हैं और आज तक हम में से किसी ने शादी नहीं की है इस बात का क्या है अर्थ किसी ने शादी नहीं की तो कैसे हुआ तुम्हारा बर्थ खड़े खड़े बेटा कोकी छोटे बच्चे ऐसी बातें ना सुनते चलो भाई बाहर जाके स्किपिंग करो स्किपिंग हाँ अब आप जरा खुल के बताइए खुल के देखिए खुल के बात ये कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने अपने शहर में कार्यक्रम हुआ था अरे वो आइटम का टिल्लो चमन बहार का अरे उसके प्रोग्राम में तो मैं क्या नाचा था मेरा मतलब है कि वो मैं कमिश्नर साहब के साथ गया था ना मेरी ड्यूटी लगी थी वहां पर हाँ तो उस दिन स्टेज के ऊपर एक बैनर लगाया हुआ था तिल्लो चमन बहार संपर्क पर गलती से वो नंबर मेरा नंबर था ओह प्रिंटिंग मिस्टेक लेकिन वो दिन था और आज का दिन है रोज मुझे 300-400 गंदे गंदे फोन आते हैं गंदे गंदे एसएमएस आते हैं एक्सक्यूज मी क्या एक और हेलो टिल्लो है अरे टिल्लो नहीं है खड़े खड़े अरे ये तो सब ठीक है लेकिन मेरे घर के नौकर है ना अपनी इज्जत बचा के भाग गए क्यों क्योंकि रोज रोज मुझे फोन आते हैं बूढ़ों के मर्दों के और वो तो ठीक है लेकिन लोग मुझे क्या समझते मालूम है क्या दलाल ये अरे कमकद मैनेजर समझते हैं मैनेजर खड़े खड़े अरे अगर इसे कोई रमेश सुरेश महेश दिनेश यहाँ तक कि गजोधर भी कहता तो चल जाता लेकिन क्या कहते टिल्लो अरे पक्कर जी खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिल गया अरे रिलैक्स अंकल नहीं कर सकते ना क्योंकि इसी नंबर पे तो देश विदेश से हमें कुश्ती के ऑफर आते हैं खड़े खड़े मैडम जी मुझे सारी बात समझ में आ गई है जी ये ना बहुत बड़ी मुसीबत में है हमें इनके लिए ना कुछ करना पड़ेगा जी नहीं जो तू बोल पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगी मैं हाँ भाई पहलवान ना मैं सोच रही हूँ कि हम FIR लिखें तो किसके खिलाफ लिखें तने तो घने सारे लोगों के फोन आ रखे हैं ना मैडम एक आदमी है जो रोज मुझे 300-400 फोन करता है गंदे गंदे SMS भेजता है आप उसे पकड़ लीजिए बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे खड़े खड़े गॉड तो ये वे काम कर ना ईब जो मजनू का फोन आया ना तो तू उसने कहा कि टिल्लो थारे से बात ना करेगी थारे से साक्षात मिलना चाह रही है कल रात को मजनू के टीले पे बुला ले हेलो हेलो टिल्लो को फोन देंगे आप
अरे नहीं नहीं, वो टिल्लू आपसे बात करना नहीं चाहती, वो आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। हैं? क्या बात कर रहे हैं? कब, कहाँ, हाउ, वेयर, हाउ, व्हेन? कल रात को मजनू के टीले पे खड़े खड़े। आप उनसे कह दीजिए कि हम पहुँच जाएंगे, गुड इंप्रेशन हमारे, हम पहुँच जाएंगे। आप ही खड़े रहिएगा। टिल्लो, अरे शाबाश, ये बाण दे थारे आशिक ने, काट काट के ना फ्रीजर में बांट दूंगी। अरे इसका आशिक नहीं, टिल्लो का आशिक, टिल्लो का। यो खंबा पकड़ से, अरे इसने पकड़ लिया तो यहीं निमट जाएगा थाने में। कोई है? अरे अरे तुम्हारे चाचा को लेके। मैडम वो टिल्लो चमन बाहर के कपड़े और जेवर की सारी तैयारी हो गई है। लेकिन मैडम मुझे लगता है कि आप वहाँ टिल्लो चमन बाहर बन के जा तो रही हैं उस आदमी को अरेस्ट करने, लेकिन वो तो यूं समझ जाएगा कि आप टिल्लो चमन बाहर नहीं है। अरे ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? अरे मैं मेकअप और गेटअप के साथ जाऊंगी। जी मैडम जी, वो जो अपनी टिल्लो चमन बाहर है ना जी, वो तो बहुत कटीली नचनी है, आप तो ऐवें हैं। मैं वहाँ मुजरा करने ना जा रही हूँ, ना उस आशिक ने धरने जा रही हूँ। नहीं, सिचुएशन फिल्मी पूरी की पूरी है, इसलिए आपका नाचना बहुत जरूरी है। अरे पर मन्ने तो नाचना ही कोई ना आता, हमारे खानदान में तो आदमी नाच करते हैं बस। मैडम आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसी नचनिया बनाऊंगा, ऐसी नचनिया बनाऊंगा क्या पुलिस की नौकरी छोड़ देंगी और नाचने वाली बन जाएंगी। मिल गई गुरु दक्षिणा तने, हाँ? इप चुपचाप नाच के दिखा, चल नाच। ओके, सिखाता हूँ। वैसे नाचना इतना मुश्किल नहीं है, देखिए तीन चार ही स्टेप होते हैं नाचने में। ऐसे कीजिए जैसे आप सिगरेट बुझा रही हैं और बल्ब निकाल रही हैं, ठीक है? ठीक है, आसान है ना मैडम? अच्छा मैडम, फिर दूसरा आप ऐसा कीजिए जैसे आप पैम्फलेट बांट रही हैं, कहीं सड़क पे खड़े होकर पैम्फलेट बांट रही हैं, देखिए। ठीक है मैडम, फिर आप दूसरा प्राणायाम तो आप करती होंगी, वैसे वैसे डांस कीजिए, प्राणायाम इजी है एकदम, जैसे। और मैडम आपको एक लेटेस्ट स्टेप सिखाता हूँ, देखिए ऐसा है कि आप गाय में जो दूध निकाल रही हैं, लेकिन गाय थोड़ी सी हाइट पे, ठीक है? देखिए, सब सीख गई हूँ। अरे डांस टीचर के लिए ताली हो जाए, ताली। इतना टाइम हो गया, अभी तक वो आदमी आया क्यों नहीं? वो देखो वो आ गए। ये सर जी की गाड़ी है। मतलब ये तुम लोगों का इंस्पेक्टर है? खड़े खड़े शरत, अरे जब तक रंगे हाथों पकड़ा ना जाए ना, कुछ भी साबित ना होगा। अरे टिल्लो, टिल्लो, टिल्लो जी, अरे टिल्लो जी, हम आ गए। मैं आ रही हूँ। तो मैडम ऑल द बेस्ट। अच्छा टिल्लो जी, टिल्लो जी, टिल्लो जी, टिल्लो जी, देखिए अब बातें बातें करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, आप हमारे लिए वो कर दीजिए जिस चीज के लिए हम करने आए हैं। कि करना है डांस चकते फटे। एक मिनट, हम लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं आपके लिए स्पॉटलाइट, स्टार्ट। अरे ये क्या, इतनी सर्दी है और आपने इतने कम कपड़े पहन रखे हैं। I love you। हम कैसे मान ले? अरे भैया क्या, पिछले कितने दिनों से हम आपको रोज 500-500 बार फोन कर करके तंग कर रहे हैं, ये कोई काम है? को करता था मेरे को। ओह तो वो आप थे? यस यस, इट वाज मी। अब बस और देर ना करें, हमारा दिल तरस तरस करके पिघल चुका है, अपना चेहरा तो दिखाइए। चेहरा देखना है आपको? जी। तो देखिए, हनुमान प्रसाद पांडे, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ,
क्या गॉड भाई साहब, क्या मांगा था मैंने आपसे? दो पैक, दो एग और दो लेग, और क्या दिया आपने मुझे? ये जेल, ये सलाह के। Will you please stop the commotion? I'm trying to sleep. अरे शट अप। Okay. घबरा मत, तन्ने मारने ना आई हूँ, ये खबर सुनाने आई हूँ कि कल तेरे पे केस ठुकेगा और हम तन्ने बड़ी जेल ट्रांसफर कर देंगे। ओहो, तो आप मुझे ये बताने आई हैं? तो ठीक है, भेज दीजिए मुझे उस बड़े जेल के दरवाजे पर। मैंने भी पता नहीं क्या सोच कर रखा था कि मेरी भी एक दिन शादी होगी, 7-8 बच्चे होंगे। यो, तू गलत बोल रहा है कि मैं गलत सुन रही हूँ? ना मैं गलत बोल रहा हूँ और ना तुम गलत सुन रही हो, समझी? मुझे इस केस की पहले से भनक थी, इसीलिए जानबूझकर मैं उस धरती पकड़ को खुद फोन करता था हर रोज। तो मौका वारदात पर अकेले जाके ठुमके लगाने की क्या जरूरत पड़ती तने? मेरा एक मुंह भोला भाई होता था जिसका नाम था पिंटू, वो जवान था। एक दिन ऐसे ही कार्यक्रम में गलती से उसका मोबाइल नंबर एक पोस्टर पे छप गया और लोगों ने बेरहमी से उसे फोन कर करके इतना सताया कि उसने आत्महत्या कर ली। पिंटू, आई लव यू यार। और मैं नहीं चाहता था कि पिंटू जैसा हाल धरती पकड़ के साथ हो, इसीलिए मैं खुद रक्षक बन के मौका वारदात पर गया धरती पकड़ की रक्षा करने के लिए। तू सच बोल रहा है? आप एक बात कान खोल कर के सुन ले, दुनिया बेशक मुझे झूठा करार कर दे, लेकिन मेरी चंद्रमुखी चौटाला मुझे झूठा कहे ये मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। क्या बोला? किसकी? मेरी, सिर्फ मेरी। पर आपको पता है, आप समझती है कि आप मुझे सताती रहती है और मैं आपको पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा था कि 1-2 साल में प्रेशर के अंडर आकर मैं आपसे शादी कर लूंगा, हमारे 7-8 बच्चे होंगे, एक अच्छा सा घर होगा, और एक दिन मैं आपको शाम को बहुत मजे में और मूड में आके पूछूंगा, अरे घनोट कचरी अम्मा, बच्चे कहाँ हैं? और मैं तन्ने कहूंगी कि बच्चे थाने गए होंगे ना अपने मामा गुलगुले से कहानियां सुनने, है ना, है ना? ना 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 ना, अब मेरा जो सपना है वो तो सपना ही बनकर रह जाएगा ना। अरे ना, थारा सपना पूरा होगा, तू टेंशन ना ले, मन ने थारे पे पूरा यकीन है, इस तो मैं देखती हूँ थारे पे कौन केस ठोकता है और कैसे ठोकता है। You both please stop the commotion, I'm trying to sleep. आप पहले इस आदमी को ठोकेंगे, मेरे को बहुत तंग कर रहा है। अरे तेरी तो। मैडम आप ये क्या कह रही है? मैडम हमने सर को रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ जी जी मैडम जी, हम इस बात के गवाह हैं। नहीं, मैं देख सकती हूँ कि मैडम के दिल में आंसुओं की नदी बह रही है, मुझे तो लगता है कि मैडम एकदम सही कह रही हैं। बालको, ना अपनी अपनी जेब पे हाथ रखो और सोचो, हमारे ब्रह्मचारी हनुमान प्रसाद पांडे ऐसा कोई गलत काम कर सके? नहीं। बस तो हमें किसी भी तरह मक्खन सिंह ने बचाना है, क्योंकि यो उसकी ना बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत पे आन पड़ी है। यस मैडम, बनाइए उसके खिलाफ ऐसा केस बनाइए कि ईब तो जो केस है ना, ना बनेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी चौकी का मेन इंस्पेक्टर है। अरे इंस्पेक्टर है तो होता रहे, हम कोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन उस इंस्पेक्टर की वर्दी जरूर उतरवाएंगे। ओहो, पहले वन पीस में घर तो पहुंच ले, एयरपोर्ट जाएगा। पुत्र, पुलिस के साथ पंगा नहीं लेते पुत्र, जाओ। पंगा? अरे पंगा तो हम लोग जरूर लेंगे, आप लोगों ने पकड़ खानदान के पहलवानों के साथ पंगा लिया है, उस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा के ही रहेंगे, और ये एक मर्द का वादा है। चलो खंबे। बेटा गोपी। हाँ जी जी। इस पहलवान ने FIR में क्या लिखवाया है? मैडम जी, FIR में ये लिखवाया है कि लोग इसे टिल्लो चमन बाहर समझ कर फोन करते हैं। बस तो इब तो मक्खन सिंह ने बचाने का एक ही रास्ता है। वो क्या मैडम? कि हमें किसी भी तरह ना इस पहलवान ने टिल्लो चमन बाहर बनाना है, पर ये होगा कैसे? मैडम मेरे दिमाग में आपका एक हाफ मर्दाना हाफ जराना आइडिया आ रहा है, कहीं तो सुना। सॉरी मैडम, सुनाता हूँ, एक मिनट। तू जब हमारी शादी होगी ना तो तू दहेज में आएगा बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गोपी। हाँ जी जी। वो चाचा भतीजे नी जोड़ी ने धर के ला। ओके जी। बात ये है धरती पकड़ सिंह जी, हमारी मैडम जी को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने आपको ना ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए बुलाया है। देखा ना, डर गई ना खड़े खड़े। अरे भाई धरती पकड़, क्या बात है ना कि मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पे आई हूँ कि तू सही है और हम जो है गलत है। वो क्या कहते हैं कोकी? नहीं, गलती गलती माफ करो, दिल का मैल साफ करो।
इब तुम जाके स्कीपिंग करो, जाओ जाओ। अरे तू क्यों खड़ा है, बैठ भाई ताऊ, बैठ बैठ। आज से जो है ना तू हमारा दोस्त है, तू टेंशन ना ले। उस इंस्पेक्टर को तो मैं जेल में घुसड़ के ना ऐसी सजा दिलाऊंगी कि याद रखेगा। अरे अरे बेटा गुलगुले, अरे हमारे दोस्त ने लस्सी शस्सी पिलाओ, आजा बेटा। ये रही मलाईदार लस्सी, काजू बादाम पिस्ता मार के। बेटा जो तू मर्द का बच्चा है ना, तो एक घूट में सारी लस्सी पी जा, तभी मानूंगी कि तू हमारा दोस्त है। मर्द का बच्चा? हाँ। देखा, मैं हूँ मर्द का बच्चा। शाबाश बेटा, हाथ मिलाने को ना कह रही हूँ। वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर उसने धरकेला, वो इसने इंजेक्शन लगा के धरती पकड़ से ना टिल्लो चमन बाहर बना देगा। जा। अभी तो बस खड़े खड़े से बैठे बैठे हुआ है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। ये कौन है? ये वो डॉक्टर है जो एक इंजेक्शन ठोक देना तो शाहिद कपूर, करीना कपूर और रानी मुखर्जी केस्टो मुखर्जी बन जाती है, और तू धरती पकड़ बन चुका है टिल्लो चमन बहार। ने तो किया था यहाँ पे दंगा, हमने तो कहा था मत लो पुलिस से पंगा। नहीं लूंगा मैं, अभी कभी पंगा नहीं लूंगा। आप प्लीज मेरी हालत इन्हें ठीक करवा दीजिए, वरना है ना मेरे पकड़ खानदान के पहलवान लोग मुझे अखाड़े में ही जिंदा गाड़ देंगे। बैठे बैठे प्लीज। देख भाई तू अपनी जो FIR है ना ये वापस ले ले, इस कागज पे साइन कर दे, हम तन्ने असली मर्द बना देंगे। FIR भी साइन कर दूंगा। अरे ना मैं जिंदगी में कभी भी पुलिस स्टेशन का मुंह उठा के भी नहीं देखूंगा। बैठे बैठे वेरी गुड। चल बेटा इब तू घर को निकल। लेकिन मेरी हालत तो ठीक करवाइए। बैठे बैठे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 15 मिनट्स का डोज दिया है, 15 मिनट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक्स थैंक्स। लेकिन एक मिनट, मैंने एक नया इंजेक्शन बनाया है, सोचता हूँ आप पे टेस्ट कर लूं। वेरी गुड बेटा। गोपी ले आया मैडम जी, ले आया, ये लीजिए अपनी अमानत संभालिए और कैरी ऑन। हाँ तो भाई मक्खन सिंह, थारे खिलाफ जो केस था ना वो तो मैंने रद्द करा दिया है। थैंक यू। अरे थैंक यू ना छोड़, थैंक यू ना छोड़। यो बता हमारी शादी तो पक्की है ना? हाँ पक्की है, पक्की है, क्यों नहीं पक्की है? अरे तो जल्दी से डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ हमारी शादी की डेट होगी 31 मार्च 2050।